हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो हम इधर अभी टहलने के लिए आए थे। हो रहा है सुबह का टाइम, इधर देख सकते हैं अच्छा सा मौसम है। और सुबह में ऐसे टाइम में टहलना चाहिए, इसलिए मैं टहलने के लिए आई थी। और सूर्य भगवान भी देख सकते हैं निकल आए हैं। आप लोग को दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ऐसे बने रही। ये देखिए सूर्य भगवान निकल आए हैं और अब मैं जा रही हूँ घर। अभी के टाइम में देख सकते हैं हमारा परवल का खेत कितना चमक रहा है, बट इसमें परवल है ही नहीं, फला है बट बीच बीच में खाली खाली है, देख सकते हैं। और मेरी हाथों की मेहंदी, ये कलर उड़ गई है बीच में, बस ये देखिए भाई लिखा हुआ है ही। और अभी जा रही हूँ मैं अपने घर, क्योंकि मेरी बेटी सो करके उड़ चुकी होगी। अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, टाइम बज रहा है छः बज रहा है। और अभी हम चल रहे हैं घर, एकदम पतला रास्ता है घर जाने का, दिखाती हूँ। ये रहा रास्ता, देखिए कितना पतला रास्ता है। और ये भी हमारा ही खेत है, देख सकते हैं कितना जंगल हो चुका है इस खेत में। अभी बरसात का टाइम है ना, जिसके वजह से हर जगह जंगल ही जंगल देखने को मिल रहा है। मतलब अभी के टाइम में ना गाय बकरी को ना घास की कमी नहीं होती, खूब खाते पीते ही रहते हैं, बट वो लोग को घास पसंद ही नहीं आता इस टाइम में। और जब घास नहीं होगा उस टाइम खराब चीज़ भी ला के दो ना, तो खाने के लिए टूट पड़ेगा। और इधर देख, ये हमारी बकरी नहीं है, पहुँच गए घर। तो दोस्तों अभी हो रहा है टाइम, मैं बताऊँ अभी हो रहा है 11:30। और मेरी बेटी नहा धो करके फिर से वही कपड़ा पहन ली है और खा रही है सन पापड़ी। सन पापड़ी वाले आए थे तो सन पापड़ी खाने के लिए जिद कर रही थी, खांसी हो रहा है फिर भी सन पापड़ी खा रही है, खाने के लिए जिद कर लेती है। और उधर देख सकते हैं मेरे दादाजी हैं। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, बज रहा है 3:30 बजने वाला है। और अभी मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, चारपाई लगा हुआ है, पीछे कुर्सी भी लगा हुआ है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता था कि बकरियाँ भी चल रही थी, बट अभी बकरियाँ नहीं है, सारा अपने रूम में चली गई। और उधर मेरा भाई लेट करके गेम खेल रहा है घर में, देख सकते हो घर पर। उधर मेरे दादाजी भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैं हूँ। और मैं आज कुछ बोलने वाली हूँ वीडियो में, बहुत फिर भी मैं बोलूँगी, बोलते ही रहूँगी, देखती हूँ कब तक लोग शांत होते हैं। ठीक है, मेरा कहना ये है कि जो लोग घर से भाग करके शादी करते हैं, अपने माँ बाप का इज्जत ना कटा करके जो लोग भागते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं, उन लोग को सपोर्ट करने वाला लोग पूरा दुनिया खड़ा हो जाएगा। अरे मेरे साथ किया ये वो, भले ही अगर अपने घर की बेटी बहन भागती है तो वहाँ पर गलत बहन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, लेकिन दूसरे घर की भागती है तो लोग सपोर्ट करते हैं और उसी के घर की इज्जत को और ख़राब करते हैं। मैं बताऊँ, वो लोग जैसे वीडियो बनाते हैं तो सारे लोग सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और एक हम लव मैरिज किए हैं, जबकि ऐसा कोई बात भी नहीं है। मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, लव मैरिज में होता है थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ना थोड़ा दिन के लिए ना झेलना पड़ता है। तो वही प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं, और किसी से अपना दुख बताते तक नहीं है कि मेरी दुख ये है ये वो है, फिर भी लोग कहेंगे कि मायके में क्यों रहती है, ये क्यों वो क्यों, ऐसा वैसा उल्टा सीधा सब कमेंट करते रहते हैं। ऐसा क्यों कमेंट करते हैं, जो भवौड़ी सब होती है उन लोग को तो कुछ नहीं कहते सब लोग, जो भाग करके शादी करती है उसको कहा नहीं कुछ कोई कहता। हाँ, इतने लोग तो लव कपल के नाम से यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उन लोग को जाओ ना गाली दो ना, अपने माँ बाप का इज्जत खराब करके भागी, कितना तो कम उम्र में भाग गई, कितना तो किसी का उम्र भी नहीं हुआ कितनी की, कितना का तो भाई मर जाता है भाग जाती है बहनें। तो ऐसा तो मेरा कोई मैटर भी नहीं है, और मेरे मम्मी पापा भी कोई दुखी नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ लोग होंगे ना, अरे ये तो मायके में रहती है, इसका पति ये वो, बच्चा कहाँ से आ गया, फिर मतलब बच्चा का कहाँ से ये सब सवाल आ जाता है। जब मैं मायके में ही कह रही हूँ रहती हूँ, तो मेरे पति कभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी भी कुछ कर रहे हैं, मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, तो इसका मतलब आप लोग कुछ भी बोलिएगा, उल्टा सीधा बोलिएगा। अगर गलत बोलना है ना तो उन लड़कियों और लड़का को बोलो जो घर का इज्जत खराब करके भागते हैं। ठीक है, मेरे से अगर बोलोगे ना तो सामने में आकर के बोलना। ठीक है, जब मैं एड्रेस दूंगी ना उस एड्रेस पे आके मेरे सामने में आकर के उल्टा सीधा बोलना, उसी टाइम औकात पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सुन रही हूँ मैं, बहुत सह ली हूँ, अब नहीं सहने वाली। पहले अबला नारी की तरह रो धो के वीडियो बनाऊँ तो बहुत अच्छी, अगर जरा सी मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा, अगर मैं चुप रहूँ तभी ठीक हूँ ना, अगर मैं कुछ बोलूँ तो गलत हो गई ना। कहा जाता है कि वीडियो ही क्यों बनाती हूँ, हाँ वीडियो ही मेरा काम धंधा है, वीडियो से ही मेरा क्या, वीडियो ही मेरा शुरू जब मैं करी थी ना, मेरा कोई शौक सपना नहीं था, पता है वीडियो से लोग पैसा वैसा कमा के बनाते थे, हाँ मेरा शौक सपना नहीं था वीडियो बन, लाइफ में ऐसा कुछ नहीं मिल पाती तक नहीं। ठीक है ना, हर कोई अपना अपना अच्छा चाहता है जब भी वीडियो बनाता है,
अब मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे अपने लोग को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं बनाऊंगी और आगे भी बनाते रहो, यही काम है, ठीक है, मेरा यही बिजनेस, इसको जो बोलना है बोलते रहो, और ज़्यादा फालतू बोलोगे ना तो पक्का क्या बोलते हैं साइबर क्राइम, जो आलतू फालतू जो कमेंट करते हैं उसके ऊपर भी केस मैं कर दूंगी, सही बता रही हूँ, अगर उल्टा सीधा अगर मेरे वीडियो पे कमेंट आया तो, ठीक है, लगता होगा कि मेरे नाम से ही तो चलता है, मैं कोई वीडियो बनाता हूँ या बनाती हूँ, कुछ भी लिख दूँ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत लोग लिख लिख करके पछता भी रहे होंगे, पूछ लेना किसी से, ठीक है, बाय बाय, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करी, अच्छे लोग के लिए नहीं था, जो लोग मेरे प्रेगनेंसी और बच्चा को लेकर के गलत कमेंट दे, कमेंट बच्चे को मतलब गलत गलत वर्ड से बोलते हैं, ठीक है ना, इसको अभी जो इस दुनिया में आया ही नहीं है उसके लिए उल्टा सीधा, इसको बुरा नहीं लगता, इसको नहीं लगता, बताओ, बताइए जरा, तो बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करी हूँ, अगर अगली बार से गलत कमेंट आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सही बता रही हूँ।